फिर लेट हो। आज फिर से लेट? सॉरी मैम, आज बहुत ट्रैफिक था। सोनाली, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। कई दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा था। योर बॉयफ्रेंड इज चीटिंग ऑन यू। आज विकी ने जो बताया, क्या वो सच है? I don't know what to believe. विकी ने बुरे टाइम में मेरा बहुत साथ दिया है। No, I trust विकी. अब किसके माइंड में क्या है वो कैसे पता चलेगा? I wish सबके माइंड में क्या चल रहा है ये मुझे पता चल पाता। काश कभी मुझे ये पता चले कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। शपथ, क्या पटाखा है बॉस। अब पता चला पटाखा का मतलब। वाव, मेरी विश सच हो ही गई। आज फाइनली मुझे पता चल ही जाएगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। आज फिर से लेट? सॉरी मैम। हाँ, हर बार सेम एक्सक्यूज। हाँ भाई, अब ऑफिस के बॉस के साथ इतनी फ्रेंडशिप है तो उसका कुछ तो फायदा होगा। सोनाली, तुम सबके बातों पर इतना ध्यान क्यों देते हो? जस्ट इग्नोर देम। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस ही नहीं, तुम्हारा अपना ही हूँ। विकी को मेरी कितनी परवाह है? एटलीस्ट एक विकी ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। थैंक गॉड, विकी जैसा दोस्त है मेरे पास। कितने हसीन आंखें हैं तुम्हारी, इतने प्यारे होंठ हैं तुम्हारे। मैं ऐसे ही तुम्हें किसी और का कैसे होने देता? सोनाली, तुम्हें मैंने हर बुरे समय में हेल्प किया है और मैं यही चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे सहारे रहो, मेरे पास। इसलिए मैंने झूठ बोला जिससे तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। देखा आपने क्या था ये? काश कि अगर मुझे कभी पता नहीं चलता कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक इसी तरह हमारे इस भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लड़कियों को ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ता होगा जहां लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं। आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक लड़के और एक लड़की की दोस्ती को गलत समझते हैं। और तो और, एक मेल फ्रेंड पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं ये भी सोचना पड़ता है। कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में कोई भी लड़की है जो ये कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि वो किसी के भी गलत नजर का शिकार नहीं है? अब से कोई भी लड़की के बारे में गलत सोचने से पहले ये जरूर सोचिएगा, व्हाट्स इन योर माइंड।